बहुजन समाज पार्टी के मसूदा प्रत्याशी वाजिद चिता ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। वाजिद चिता पूर्व में कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। वाजिद चिता को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया और आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वाजिद अली जी, आज आपने नामांकन पेश किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने जनता के आशीर्वाद से छत्तीसी कौम, छत्तीसी जाति बिरादरी, जिनके बीच में मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद से मैंने आज बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पार्टी से आप टिकट के दावेदार थे, लेकिन आपने बसपा का दामन क्यों थामा और क्या कारण रहा कि आपको चुनाव लड़ने की नौबत आ गई? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और युवाओं का एक अधिकार है और हमारी पार्टी में जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो पिछले 15 सालों से मौका नहीं दिया। पिछली बार भी ये कहा गया कि भाई ये गरीब सुदामा को भेज रहे हैं, इनको जिताओ आप और उसके बाद हम आपको मौका देंगे, और हमने तन मन धन लगा के और गरीब सुदामा को जिताया, लेकिन इस बार भी नहीं चाहते हुए भी हमने फिर मांग करी और पार्टी ने फिर हमको मौका नहीं दिया और फिर उनको भेजा, तो इसलिए हमने पार्टी छत्तीसी कौम जाति के आशीर्वाद से फिर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। काफ़ी प्रत्याशी आते हैं जो नए होते हैं, उनको क्षेत्र की समझ नहीं होती है, आपने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया, किस प्रकार से आप क्षेत्र में जाएंगे? आप देखिए, मैं क्षेत्र के लिए नया नहीं हूँ, मैं पिछले 15 वर्षों से मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हर बार हर जाति के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से हमारे जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी CM साहब, वो जीरो करप्शन पे काम करना चाहते हैं, और हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे जो युवा नेता है पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, उन्होंने भी अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की करप्शन के खिलाफ, बड़ा मुद्दा था, और आज मुझे मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में पार्टी ने हमारे बीच जो गरीब सुदामा बना के भेजा, उन्होंने कमीशन खोरी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप मैं उनसे आमने सामने बैठ के भी डिबेट करने को तैयार हूँ। पिछले जो 5 सालों में जो करप्शन की दुकान उन्होंने खोली है, ना तो हमारे CM साहब इस बात को समर्थन करते थे, ना हमारे पायलट साहब इस बात को समर्थन करते थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने सर्वे को भी एक दर दिया। सुनील कानूगोलो का जो सर्वे है कर्नाटका और हिमाचल में चला, उस सर्वे के आधार पर जब टिकट दिए गए कांग्रेस पार्टी के, तो वहाँ दोनों जगह सरकारें बनी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सर्वे को भी दरकिनार करके, और मैं समझता हूँ सर्वे की स्थिति को भी हटा के उन्होंने टिकट दे के भेजा, उससे मैं आहत हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो 5 साल कमीशन खोरी का खेल चला है, जिस रोड से मैं अभी पैदल आया हूँ नामांकन के लिए, इस रोड के बारे में कहे तो कितने दिनों से आज अधूरी पड़ी है। अगर एक आदमी मसूदा से ब्यावर के बीच में जाता है तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक क्षति हो ही जाती है एक दो सफर में, तो आज इस रोड का अधूरा रहने का क्या कारण है? इसको इतने दिन हो गए काम चलते हुए, फिर आचार संहिता लगी। आप समझ सकते हैं, आप समझदार है, मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ और ये लड़ाई मेरी करप्शन के खिलाफ है। जब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ लड़ते थे, और CM साहब भी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी करप्शन के विरुद्ध अजमेर से जयपुर पैदल जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम भी करप्शन मिटाने के लिए विधानसभा में उतरे हैं, जीरो करप्शन करके इस विधानसभा में हम दिखाएंगे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक बात हवा हो रही है कि वाजिद अली तो केवल मुसलमानों का ही प्रत्याशी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं छत्तीसी कौम का नेता हूँ और मैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र की 65 पंचायतों में लगभग मैं दौरे कर चुका हूँ, आप धरातल पर जाकर पता कर लें, और विजयनगर के जो 35 वार्ड है, समय मुझे घर का बच्चा जानता है। मैं पिछले 15 सालों से मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता इस करप्शन के विरुद्ध वोट करके और मुझ जैसे ईमानदार नेता को काम करने का मौका देगी। आपने नामांकन पेश किया है, आप विधायक निर्वाचित हो जाते हैं, तो क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की जो जनता है, मतदाता है, उनके लिए सबसे बड़ी शिकायत है कि उनका विधायक उनके बीच हमेशा रहना चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए, उनकी बात सुन के उसका समाधान करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वो मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का विशेष शिकायत रही है कि विधायक जीतने के बाद क्षेत्र में कम आता है। मैं समझता हूँ कि मैं इसी क्षेत्र में रहूँगा और इनकी समस्याओं को सुनता रहूँगा पूरे 5 साल, और इनकी जो भी समस्याएं होगी, काफ़ी कुछ से तो मैं वाकिफ हूँ, और जिस जो भी ये जनता बताएगी, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा और इनको इनके दिलों को जीतने की कोशिश करूँगा।